टीम 07 के फैंस को और सलमान खान सर के फैंस को झुग्गी झोपड़ी वाले और बहुत ही फालतू चीज़ें कि लोग के बेरोजगार है, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है, मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूँ, उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ। और मुझे ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इसे देखा था कि सलमान खान सर के बारे में, सलमान खान भाई के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोला था और नाम ले लेके बात कर रहा था, उनके फैंस लोग को बहुत ही वल्गर, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करके बात कर रहा था। क्या है क्या गिफ्ट है? सरप्राइज तो ओपन करो जरा। किसके लिए हो सकता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी देख रहा हूँ मैं, सच बोलने पे आवाज नहीं कुछ तो समझते। क्या है ना, सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, माइक पे बोलो। तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है, मैं उसके लिए फिर चूड़ी लाया हूँ, उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ ताकि वो चूड़ी पहन ले, फिर लड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यस मैं देख रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया बिग बॉस के ऊपर, लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने ही क्वेश्चन किया था। तो देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैंने देखो, अब लोग इन लोग बोलेंगे यूट्यूबर कम्युनिटी, देखेंगे तो फुकरा इंसान भी यूट्यूबर कम्युनिटी से ही है, पर मैंने बोला कि फुकरा इंसान अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो डे वन से है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है। अभी रिसेंटली जो उसकी कुछ चीज़ हाईलाइट हुई है, जो दिख के आ रही है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला, वो सब चीज़ें एक तरफ, मगर मुझे पर्सनली अगर पूछेंगे तो मुझे उसका गेम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने उसकी तारीफ़ किया। ऑन द अदर साइड अभी एल्विश ने बहुत बार हम लोग के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाया, वो तो छोड़ो, उसके बाद में मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर किया, जो मैंने कुछ चीज़ें देखा था कि सलमान खान सर के बारे में, सलमान खान भाई के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोला था और नाम ले लेके बात कर रहा था, उनके फैंस लोग को बहुत ही वल्गर, बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज़ करके बात कर रहा था, और आज उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सलमान भाई के शो में आ गया। तो बस मैं वही सब चीज़ें बताया तो और वो सब चीज़ फूट गई और सब लोग हेट देने लगे। तो मैं बोला कि इतना सच अगर हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा और सच कि लड़कियों से लड़ रहा है, तो उसके लिए एक और बर्थडे में गिफ्ट लेता हूँ। देखो मेरी आदत नहीं है ये सब चीज़ें, अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा था वो कर रहा है, और रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस को, टीम 07 के फैंस को और सलमान खान सर के फैंस को झुग्गी झोपड़ी वाले और बहुत ही फालतू चीज़ें कि लोग के बेरोज़गार है, पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल है, तो डिस्क्रिमिनेशन, ये तो उसकी आदत ही है दूसरे को रोस्ट करना और दूसरों पर फालतू बातें करना और गालियाँ देना। तो मैं वो देखा तो मैं सोचा कि मैं अपना ये चीज़ बोल के और भाई तक का ये चीज़ पहुँचे और भाई देखे। आप उसको उसके जाके लगता है आपने YouTube वीडियोस नहीं देखे, वो बहुत टाइम से कंटिन्यू वीडियोस बना रहा है और बहुत ज़्यादा बोलते आ रहा है और झुग्गी झोपड़ी वाले मुंबई वाले को डिस्क्रिमिनेट करता है, इन लोग फ़र्क लाते हैं मुंबई दिल्ली क्या पता क्या, इन लोग क्या समझते हैं, और झुग्गी झोपड़ी पंचर बनाने वाले इन लोग ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ से भी आए हैं और ब्लेस फील करते हैं और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं, हम लोग जहाँ से भी आए प्राउडली बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि प्राउडली कि हाँ हम लोग हैं वहाँ से, और हम लोग को फ़ख्र है कि हम लोग वहाँ से हैं, पर आज इस मुकाम पे है जहाँ पे लोग सोचते हैं। अदनान भाई, आप सोशल मीडिया के स्टार हो, एक सवाल रहेगा मेरा, दोनों सोशल मीडिया के स्टार हो, एक दूसरे के ना मिलके रहे, दूसरे नाम लगाने से अच्छा कि फैंस के ऊपर दबाव पड़ेगा भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो भी लोग, जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो या ना हो, हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो, पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा, पर इन लोग मिले नहीं है शायद, इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी, एक इमेज सेट हो गई है और इन लोग हेट दे रहे हैं, पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है, जो इन लोग का माइंड सेट है, वो चेंज हो जाएगा। कुछ रिवेंज नहीं है, मैं एक अपना ओपिनियन शेयर किया जिसकी वजह से ये चीज़ इतना हाइप ले ली और बहुत ज़्यादा ये सब वायरल चल रही है। मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया था, मैंने अभिषेक को और मनीषा को अपना सपोर्ट दिखाया था, और मुझे ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है बस।